गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप? बढ़िया, वेरी गुड। आज हम तीर धनुष खेलेंगे। आप सोच रहे होंगे तीर धनुष क्यों तीर धनुष? क्योंकि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जब हम आर्चरी का गेम खेलते हैं, जब हम आर्चरी जो हम आर्चरी होती है या जो तीर धनुष होता है, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फोर्स किस तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे कि तीर और धनुष दो चीजें होती है। एक धनुष होता है जो लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है या प्लास्टिक का आजकल होता है, मेटल का भी आता है, और इस टुकड़े के ऊपर हम हमने एक धागा बांधा होता है, एक मोटी सी रस्सी या धागा बांधा होता है, और इस थ्रेड या रस्सी के द्वारा जो है हम तीर, एक लंबी सी डंडी होती है, और इस डंडी का इस्तेमाल हम जो है इसको इस पर मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। मस्कुलर फोर्स के नाते इसके अंदर मोशन उत्पन्न होता है। कैसे होता है बात करते हैं। हमारे पास एक धनुष है, बढ़िया धनुष, और एक खेलने वाला एरो है। हमने क्या किया, इस एरो को लिया और एरो को लेकर के हमने इस धनुष की स्ट्रिंग्स पे लगा दिया, और इस स्ट्रिंग्स को हम खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? अपने हाथों के द्वारा। तो क्या चीज हाथ का काम कर रहा है? हमारे मसल पावर। हमने अपने मसल पावर का इस्तेमाल किया और इसको खींचा। जब हमने इसको खींचा तो इस बो का जो ये स्ट्रिंग है, इसमें तनाव उत्पन्न हो गया। ये जो तनाव है, जैसे हम इसको खींच करके छोड़ेंगे, ये तनाव इस एरो को मिल जाएगा और एरो के अंदर एक मोशन क्रिएट हो जाएगा, जिस मोशन के कारण एरो जो है लंबी दूरी तक जो है एयर में फ्लोट करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। इसको मस्कुलर फोर्स से हमने दिया, मस्कुलर फोर्स कन्वर्ट हुआ यहां मैकेनिकल फोर्स में, और मैकेनिकल फोर्स के कारण ये हमारा एरो चला ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों कैसे काम कर रहा, फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, एरो को लिया है, एरो को दिया, एरो को लेकर के स्ट्रिंग्स पे लगाया। इस स्ट्रिंग्स को हम खींचने की कोशिश करते हैं। जब हमने स्ट्रिंग्स को खींचा, स्ट्रिंग्स पे तनाव दिया, एक पुल फोर्स लगाया, पुल फोर्स की वजह से जो है जब हमने इसको पुल किया तो एरो पे मस्कुलर फोर्स की वजह से पुल हुआ। इसके अपोजिट में जब हमने इसको यहां से रिलीज किया, हाथ जैसे हमने अपना अंगुलियों को यहां से छोड़ा, तो इस पे लगने वाला वाह बल जो हमने पुल किया था इसको जो है वो पुल इसका छूटा और ये एरो फिर से पुश की तरफ आगे बढ़ा। अब इसने पुश किया, किसको पुश किया, इस एरो को पुश किया, स्ट्रिंग ने एरो को पुश किया, और जिसकी वजह से एरो हमारा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे।